आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भंडारे वाली आलू की सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को हम बनाएंगे सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और इसका जो स्वाद है बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी वाला आएगा। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आप पैन या कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लें, क्योंकि सरसों के तेल में ये सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप सरसों तेल का इस्तेमाल करें। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए यहाँ पे आप 2 तेज़पत्ता डाल दें, 1/2 चम्मच साबुत जीरा डाल दें, 1/4 से भी थोड़ा सा कम आप मेथी के दाने डाल दें। सब्जी को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है इससे। साथ ही साथ यहाँ पे आप 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दें। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये जो भंडारे वाली सब्जी है ना, थोड़ी सी तीखी और चटपटी अच्छी लगती है, क्योंकि हम इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। अब आपको यहाँ पे डालना है थोड़ा सा हींग। भंडारे वाली सब्जी में लोग हींग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब आप इन सभी मसालों को थोड़ा सा भून लें। तो जीरा यहाँ पे चटकने लगा है, मिर्ची भी भुन गई है, तो गैस का आंच आप बिल्कुल धीमा कर दें। और यहाँ पे आपको डालना है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस सब्जी को थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ। साथ ही साथ यहीं पे आपको डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। सभी मसालों को जब हम तेल में भून लेते हैं ना, तो सब्जी का जो स्वाद और कलर दोनों काफ़ी अच्छा आता है। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें, और इन सभी सूखे मसालों को आप बिल्कुल धीमी ही आंच पे 30 सेकंड तक भून लें। तो मसाले यहाँ पे हमारे भून चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है 2 बड़े आकार के टमाटर। टमाटर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके डाला है। टमाटर के साथ ही मैंने 1/2 इंच अदरक को भी इसी के साथ कद्दूकस कर दिया है। चाहे तो आप टमाटर और अदरक को यहाँ पे पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप टमाटर को कद्दूकस करके डालते हैं तो टमाटर का छिलका अलग हो जाता है, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी पक जाता है और जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी गाढ़ी बनके तैयार होती है। तो गैस का आंच यहाँ पे आप मीडियम से लो के बीच में कर दें और इसे 3 से 4 मिनट तक भून लें। इस सब्जी को बनाते समय बस आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इन सभी छोटी बातों का ध्यान रख के सब्जी को बनाएंगे ना, तो आपकी जो सब्जी है बिल्कुल हलवाई की तरह बनके तैयार होगी। तो मसाले को भूनते हुए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए, और अब आपको यहाँ पे डालना है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी आप यहीं पे डाल दें, और इन सभी मसालों को अब आप 3 से 4 मिनट तक और भून लें। तो यहाँ पे मसाले हमारे भून चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि मसालों में से तेल अलग होने लगा है, और जो मसाला है वो बर्तन के तले से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। जब भी आप कोई सब्जी बनाएं, मसालों को बहुत अच्छे से भुनें। अगर मसाला अच्छे से नहीं भुनता है ना, तो सब्जी का जो स्वाद है वो सही से नहीं आता है। अभी तक हमने सब्जी में नमक नहीं डाला था, तो यहीं पे हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी सब्जी में डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आपको चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला वाला आलू डालेंगे ना, उसे हाथ से अच्छे से मैश कर देंगे, बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रखेंगे। और बचे हुए जो बाकी के आलू हैं उसे इस प्रकार से हम थोड़ा मोटा मोटा तोड़ेंगे। इस रेसिपी में आपको आलू को काट के नहीं डालना है, इसे आपको हाथ से फोड़ के डालना है, तभी जाके सब्जी का वो टेक्सचर और टेस्ट आ पाएगा। आलू को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम आंच पे इसे 2 से 3 मिनट तक भून लें। और अगर आलू के एक आध कोई बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस रह गए हों तो उसे आप इस प्रकार से चम्मच से कट कर दें। तो यहाँ पर जो आलू हैं वो मसाले के साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब आपको इसमें डालना है पानी। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं, सब्जी जितना आप पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो पानी डालने के बाद यहाँ पे आप सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको डालना है 1 चम्मच कसूरी मेथी। और जब भी आप कसूरी मेथी को डालें तो हाथ से रगड़ते हुए डालें, तो इससे बहुत अच्छा सब्जी में फ्लेवर आता है। अब आप इसे ढक दें और मीडियम आंच पे सब्जी में 1 उबाल आने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे सब्जी को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। खोल के इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी में हमारे अच्छे से उबाल आ गया है।
तो अब आप लास्ट में ताज़ा बारीक कटी हरी धनिया के पत्ते डाल के उसे मिक्स कर लें। ठंडा होने के बाद सब्जी आपकी पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब आप गैस बंद कर लेते हैं और चलते हैं इस सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। इतनी सब्जी में परिवार के 4 से 5 लोग बहुत ही आराम से खा लेंगे। अगर आज की इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। भंडारे वाली आलू की इस सब्जी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों के लिए रेसिपी लाभदायक साबित हो और इस सब्जी का आनंद उठाएं आप गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।